हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ मतलब ये जो हमारा स्तंभ बना है, इसे हमें पूरा करना है। ठीक है, ये जो है हमारी सारणी दी गई है, जिसके कुछ जो है वैल्यूज़ जो हमको दे दिए गए हैं। इधर ये जो स्तंभ हमारा खाली है, इसे क्या करना है, हमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। हमारा यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है, वो दिया गया है x+3=0। ठीक है, हमें ये कह रहे हैं कि अगर x का मान 3 है तो ये समीकरण संतुष्ट है कि नहीं। फिर कह रहे हैं x का मान 0 है, तब ये समीकरण संतुष्ट है कि नहीं। आपको एक बात बता देते हैं, ये तीनों समीकरण सेम हैं, ये दोनों समीकरण सेम हैं, ये दोनों समीकरण सेम हैं और ये तीनों समीकरण सेम है। ठीक है, तो आप हर बार इस ये मान रखने को रहन दीजिए। क्या करो, आप समीकरण से ही आप मान निकाल लीजिए। जैसे कैसे, देखो हमारा क्या था, x+3=0, ये था ना हमारा, यही था। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 जब हमारा उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर में जब जाएगा तो हमारे चिन्ह जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, तो ये हमारा -3 आ गया। तो हमारा ये वाला जो है ये संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे -3 आया है और यहाँ पे भी x का मान -3 है। ठीक है, और ये दोनों संतुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मान आए नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर नहीं लिख देंगे और यहाँ पर भी हम नहीं लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाँ, क्योंकि यही हमारा मान निकल के आया था। ठीक है, अब हम करते हैं अपना x-7 वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी समीकरण जो है वो डाल लेंगे x-7=0। तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है इधर माइनस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 7 कहाँ है, तो ये 7 हमारा यहाँ पे है, तो मतलब ये जो समीकरण है वो संतुष्ट कर रही है इस मान को, और ये वाला मान आया ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिगाड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा समीकरण जो है वो है 5x=25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ये हमारा इसके x के साथ गुणा में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। 5 × 5 = 25, तो x का मान जो आया है वो हमारा 5 आया है, तो 5 हमारा कहाँ है, ये है, मतलब ये वाला समीकरण जो है वो हमारा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे हमारा हाँ लिख दिया जाएगा, और बाकी ये वाला जो है वो हमारा नहीं लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला तो जो समीकरण है वो हमारा क्या है, वो है m/3=2। क्या है, m/3=2। ठीक है, तो m का मान क्या हो जाएगा, ये भाग में है, बराबर के उधर में जाएगा तो 2 के गुणा में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा कहाँ पे है, ये है, मतलब ये वाला समीकरण जो है वो हमारा संतुष्ट हो जाएगा और ये वाले हमारे संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो तालिका है हमारी वो पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। देखो, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आपको आपके हर चैप्टर की क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी, आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी क्लासेस डेली चल रही हैं और आपकी साइंस जो है, आपकी क्लास की साइंस जो है वो हमारे इस चैनल पे चल रही है, तो इस चैनल पर देख लेना। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत डेली यूज्ड इंग्लिश जो है वो सीखना चाहते हो तो इस चैनल पे चले जाइएगा, ये चैनल तो आप देख ही रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं डेली क्या करती हूँ, क्या हमारा रूटीन रहता है, तो इस चैनल में मिल जाएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल हैं, तो इन चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।